के अलग देवता हैं, उनकी अलग पूजा पद्धति है। मोहन भागवत की किसी भी मानसिकता पे कमेंट करना मुझे लगता है कि ये किसी भी साधु के लिए अपमानजनक है। हम लोगों को इस चीज़ों से सावधान रहना चाहिए। वो जाति के नाम पर हिंदुओं को आपस में लड़वाने में लगे हुए हैं और वो ब्राह्मणों को बदनाम करके इस समय मुस्लिम तुष्टिकरण की पराकाष्ठाओं को और मुस्लिम तुष्टिकरण के साथ ही हिंदुओं में बंटवारा करना ताकि हिंदुओं का विनाश जल्दी से जल्दी सुनिश्चित हो, इस काम में मोहन भागवत लगे हुए हैं। मैं सारे ब्राह्मणों से आह्वान करता हूँ, सारे सन्यासियों से आह्वान करता हूँ, एक बहुत बड़ा सम्मेलन इस बात पर होना चाहिए कि ब्राह्मणों ने आज तक पूरी दुनिया को क्या दिया है, ब्राह्मणों की देन क्या है इस दुनिया को, इस मानवता को, संपूर्ण मानवता को, केवल भारत को नहीं। इस पर एक बहुत बड़ा विचार गोष्ठी, बहुत बड़ा सम्मेलन होना चाहिए और जो भी लोग इस सम्मेलन को करना चाहे मैं उनके साथ सहयोगी के रूप में कार्य करूंगा। और महाराज जी, मैं आपसे भी निवेदन करता हूँ, आपका जन्म भी एक ब्राह्मण परिवार में हुआ, आपने बाद में संन्यास लिया है, ये संपूर्ण मानवता की अस्मिता का सवाल है। ब्राह्मणों पर आक्षेप करना, ब्राह्मणों पर कुठाराघात करना, ये आज का फैशन हो गया स्वामी जी, लेकिन इस फैशन के विरुद्ध किसी ना किसी को खड़ा होना पड़ेगा। मोहन भागवत जी ने जो किया है ये जो है केवल सनातन को बर्बाद करने का एक प्रयास है उनका, ताकि ब्राह्मणों के प्रति समाज में जो घृणा है अब उसे नीचे से लेकर ऊपर तक ले जाया जा सके।